आप कभी ऑटो के अंदर बैठो, मैं आपको पूरी दिल्ली घुमाता हूँ। आज भी इतने रास्ते खराब हैं, लोग परेशानियों से झूल रहे हैं। जब से बीजेपी आई है, जब से हम लोग इतना परेशान हैं, बच्चों को पढ़ा लिखा के आज बच्चे इतना टेंशन में रहते हैं, कितनी मेहनत से ठेली से दो दो चार चार रुपए कमा कमा के आज हम इतना परेशान हैं कि बच्चों को जॉब नहीं मिल रही है, हैं? तो क्या सोचेंगे? केजरीवाल ही आएगा क्या? केजरीवाल में और बीजेपी में टक्कर होगी। अभी तो है बीजेपी से बेहतर अभी आम आदमी का है, ज़्यादा करके आम आदमी पर रुझान है। कांग्रेस अच्छा पार्टी है। काम तो बेहतरी कर रहा था, उन्हीं का दिया हुआ ये मेट्रो वेट्रो यहाँ पे है। जो डेवलपमेंट के काम हुए शीला जी के टाइम में, वो अब सब रुक चुके हैं, सब थम चुके हैं। पूरी दिल्ली में डस्ट का गुबार है, सड़कों की मेंटेनेंस नहीं हो रही है, फुटपाथ की मेंटेनेंस नहीं हो रही है, पॉल्यूशन का जो लेवल है जो है उसको देख सकते हैं कितना हाई है, सांस लेने में कितनी सफोकेशन हो रही है, जो कि बुजुर्गों के लिए और बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। रही बात एमसीडी का चुनाव आ चुका है, तो क्या सोच करके इस बार आप लोग वोट करेंगे? देखिए, पब्लिक जो है इस बार वोट करने जा रही है, जो दिल्ली बदहाल हो चुकी है, जो शीला जी दीक्षित के टाइम में जो आपने डेवलपमेंट देखा था दिल्ली में, जितने भी फ्लाईओवर्स बने हैं, चाहे लो फ्लोर बसेज हैं, जो पानी की प्रॉब्लम थी समझे, वो जो है आज भी अगर आप देख सकते हैं कि जो डेवलपमेंट के काम हुए शीला जी के टाइम में, वो अब सब रुक चुके हैं, सब थम चुके हैं। पूरी दिल्ली में डस्ट का गुबार है, सड़कों की मेंटेनेंस नहीं हो रही है, फुटपाथ की मेंटेनेंस नहीं हो रही है, पॉल्यूशन का जो लेवल है जो है उसको देख सकते हैं कितना हाई है, सांस लेने में कितनी सफोकेशन हो रही है, जो कि बुजुर्गों के लिए और बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। रही बात दूसरी, ये एमसीडी का चुनाव छोटा चुनाव है, लेकिन जो किसी भी चुनाव के जो मुद्दे होते हैं वो पैरेलल चलते हैं, चाहे लोकसभा का हो, चाहे विधानसभा का हो, या एमसीडी का चुनाव हो। दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट है। अगर आप दो साल पहले देखें तो दिल्ली में मुसलमानों ने पूरा वोट अरविंद केजरीवाल जी को दिया था, लेकिन उसके बदले में केजरीवाल जी ने मुसलमानों के साथ विश्वासघात किया है। चाहे CNRC का आंदोलन का मसला हो, उस टाइम भी वो गायब थे। उसके बाद दिल्ली राइट्स हुए, उसकी उनमें भी आप उनकी भूमिका देख सकते हैं, नेगेटिव थी। चाहे निज़ामुद्दीन मरकज़ का मसला क्यों ना हो, स्पेसिफिकली निज़ामुद्दीन मरकज़ को उन्होंने FIR करके सील कराया, जो कि बहुत गलत था। और पूरा मुसलमान वोट दिल्ली के अंदर जो है इस बार कांग्रेस पार्टी को पड़ने जा रहा है। एक लहर है, आप किसी भी मुस्लिम पॉकेट में, आप खुद मीडिया से हैं, आप किसी भी मुस्लिम पॉकेट में सर्वे कर सकते हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद रियाजुल हक। MCD का चुनाव आ गया, क्या करेंगे आप लोग? MCD का चुनाव आ गया है तो उसके लिए यही करेंगे, वोट का तैयारी कर रहे हैं हम लोग भी। तो क्या सोच समझ के करेंगे? विकास वाले पे करेंगे। एक तरफ दिल्ली में 15 साल से MCD पे राज है बीजेपी का, आम आदमी पार्टी सरकार में है, अब 15 साल पहले कांग्रेस थी यहाँ पर, क्या लगता है किसका काम बेहतर? अभी तो है बीजेपी से बेहतर अभी आम आदमी का है, ज़्यादा करके आम आदमी पे रुझान है। और कांग्रेस वाले नारा दे रहे हैं भाई दिल जीता है, दिल्ली जीतेंगे। वो पहले जीता था, अब दिल्ली जीत नहीं पा रहा है वो, अभी जीतने में टाइम लगेगा। कैसी पार्टी थी कांग्रेस? कांग्रेस अच्छा पार्टी है। काम बढ़िया क्या था? काम तो बेहतरी कर रहा था, उन्हीं का दिया हुआ ये मेट्रो वेट्रो यहाँ पे है दिल्ली में। हाँ, शीला दीक्षित का दिया हुआ है सब कुछ। हाँ, तो क्या सोच के सर वोट करेंगे? MCD का चुनाव आ चुका है तो अब क्या बोलते हैं कि जब से BJP आई है, जब से हम लोग इतना परेशान हैं, बच्चों को पढ़ा लिखा के आज बच्चे इतना टेंशन में रहते हैं, इतनी मेहनत से हम ठेली से दो दो चार चार रुपए कमा कमा के आज हम इतना परेशान हैं कि बच्चों को जॉब नहीं मिल रही है, हैं? तो क्या सोचेंगे? दिल्ली की तमाम सड़कें सभी टूटी फूटी पड़ी हैं, आज तक कोई रिपेयर नहीं हुई, जो पहले की हुई है ना उसको खाली लीप अप होती हो रही है। ये जिसका अंडर में है ना, चाहे वो केजरीवाल साहब के अंडर में हो, चाहे केंद्र के अंडर में हो, वो इनको कराएं। जगह जगह आप देखेंगे बरसात होती है तो ब्रिजों के ऊपर इतने बड़े बड़े गड्ढे आ जाते हैं, वो किसके अंडर में? केजरीवाल जी के अंडर में है, चाहे केंद्र के अंडर में है। उसको आप जाकर आप कभी ऑटो के अंदर बैठो, मैं आपको पूरी दिल्ली घुमाता हूँ। आज भी इतने रास्ते खराब हैं, लोग परेशानियों से झूल रहे हैं। पहले सड़कें ठीक होंगी, जब सड़कें ठीक होंगी हमारी तो एक्सीडेंट नहीं होंगे। एक्सीडेंट होने से क्या होता है, किसी का भाई होता है, चोट आती है, अल्लाह किसी को ना करे, बहुत बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं सड़कों की वजह से। अच्छा, एक तरफ दिल्ली में BJP का 15 साल से MCD में राज है, अभी विधानसभा में केजरीवाल आम आदमी पार्टी है, और कांग्रेस 15 साल पहले रह चुकी है यहाँ पर, किसकी सरकार अच्छा थी यहाँ पर?
सरकार का नहीं पता नहीं, जो शीला जी ने दिल्ली चमकाई थी, दिल्ली के रोड बनाए थे ना, सब में बेस्ट थे। ऐसे ही विचार का, चाहे वो केजरीवाल साहब की पार्टी का हो चाहे बीजेपी पार्टी का, ऐसे ही इंसान दिल्ली का सीएम बनना चाहिए। जैसे आपकी शीला दीक्षित थी, उन्होंने दिल्ली के सड़कें बनवाई, रोड बनवाए, पूरी अच्छी सफाई थी, उनके बाद तो सबने लीपापोती करी, कोई नई सड़कें नहीं बनी। ये आम आदमी पार्टी तो आए थे, केजरीवाल साहब तो आए थे, आम आदमी पार्टी के काम बहुत अच्छे हैं। कुछ जैसे कि आप ये मोहल्ला क्लिनिक खुलवाए उन्होंने, मेडिकल को लेकर बहुत अच्छे काम करे, स्कूलों को लेकर बहुत अच्छे काम करें, ठीक है ना, मगर लेडीजों के लिए फ्री करें, मगर वो फ्री नहीं चाहिए लेडीजों के लिए, सड़कें ठीक करो पहले, ये क्योंकि इन पर एक्सीडेंट होते हैं, कोई मर जाता है, वो 2-4-5 फुट में हम दे देंगे, वो दिक्कत नहीं है, मगर किसी का कोई अनाथ ना हो या कोई एक्सीडेंट ना हो, वो सड़कों की वजह से होता है। एमसीडी का चुनाव आ गया है, आप लोग क्या सोच रहे हैं इस बार? इस बार क्या सोच रहे हैं, किसी एक को तो वोट डालना ही है। किसको डालना है? जो साफ सफाई रखेंगे, बढ़िया से रखेंगे रास्ते को, कॉलोनी को, गटर को, उसको डालेंगे वोट। अच्छा, बहुत अच्छा रखेगा, एक तरफ बीजेपी है, एक तरफ कांग्रेस है, दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी है। नहीं, अभी कैसे हम बता सकते हैं किस में डालेंगे भाई? अच्छा, नहीं आपसे ये नहीं पूछे कि किसको वोट देंगे आप, लेकिन क्या बीजेपी 15 साल से एमसीडी में है, बीजेपी ने कैसा काम किया, आम आदमी पार्टी कैसा काम कर रही है? हाँ, कोई काम कर रहा बीजेपी वाले एमसीडी का काम सही का, सगरो तो रोड पे कचरे कूड़े कवारा सब, रोड पोट सब टूटे भांगे लग रहे हैं। अच्छा, हाँ, एमसीडी चुनाव चल रहा है, तो आप लोगों का क्या इरादा है इस बार? केजरीवाल ही आएगा। अच्छा जी, आप क्या करते हैं? ऑटो चलाते हैं। केजरीवाल क्यों? कुल मिला के ठीक है दिल्ली के लिए, थोड़ा बहुत सही है। जैसे क्या थोड़ा बहुत? जैसे कि देखो, थोड़ी बहुत तो कमी है केजरीवाल में, कमी क्या, अब इतने सीएनजी के रेट ऊपर कर दिए, लेडीज़ों के लिए बस फ्री कर दी, फ्री करना था तो 60 साल वाला इंसान है, बुजुर्ग आदमी है, उसके लिए फ्री करता। अच्छा, सवारी हमारी गाड़ी में बैठती नहीं है, सीएनजी के इतने रेट बढ़े हुए हैं, इससे बढ़िया रेट ऑटो के बढ़ाने से बढ़िया तो अगर सीएनजी सस्ती कर देता वो बेस्ट था। मीठा मीठा खुद खा ले और गरम गरम कह दे केंद्र सरकार, ये तो गलत है ना। तो क्या लग रहा है कि मतलब इस बार कौन बीजेपी कांग्रेस में टक्कर होगी? बीजेपी कांग्रेस आम आदमी पार्टी तीनों में टक्कर होगी? ज्यादा पता है तो केजरीवाल में और बीजेपी में टक्कर होगी।